अच्छा यार, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 आज जरा कंप्लीट करते हैं हम। देखो, चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं। ख़ास तौर पे अगर आप एनएडी में टेस्ट दे रहे हो तो ये बात आप पे काफ़ी काम की है कि एनएडी में जितने भी सवाल होते हैं ना, अच्छा पहली बात, चैप्टर 7 जब लोगों से पूछो ना कि है क्या, तो वो बोलते हैं प्रॉबेबिलिटी का है। ठीक है, हालांकि प्रॉबेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं थी यहाँ पे। अगर आपने परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं समझा जो कि असल पोर्शन है, तो प्रोबेबिलिटी गई आपकी, प्रोबेबिलिटी तो आप कर ही नहीं सकते। तो मेजर इस चैप्टर का पोर्शन जो है वो परमुटेशन और कम्बिनेशन है, लेकिन नाम हमने बदनाम किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का। हालांकि बेचारी वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट जो आपके लेवल की है वो इतनी मुश्किल नहीं है। ये तो वही बात है, वो डायलॉग था ना एक फिल्म का कि मौत को तो लोग यूँ ही बदनाम करते हैं, असल तकलीफ तो ज़िंदगी देती है। तो वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी को बदनाम किया हुआ, लेकिन असल जो मसला करेगा वो परमुटेशन है या कम्बिनेशन आपको मसला करेगा। तो आपने इन दो टॉपिक पे ध्यान देना है। दूसरी बात, जो भी आपके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है ना, 7.1 से लेके 7.3 तक परमुटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड 3 एक्सरसाइज हैं। 7.1 तो बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, लेकिन उसके भी कुछ सवाल आप परमुटेशन से कर सकते हो। 7.2 परमुटेशन, 7.3 कम्बिनेशन और 7.1 बेसिक सी बात है। तो आपने जितने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हैं ये लाजमी आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में से कितने सवाल हैं जो एनएडी के पास पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने 7.1, 2, 3 ये 3 कर ली समझ के, तो आपको इस चैप्टर के तकरीबन ज़्यादातर इशू ख़त्म हो जाएंगे सारे। और अच्छी बात ये कि तीनों मैंने अपने चैनल पे आप अपलोड कर दिए हैं। 7.1, 2, 3 का एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, कोई होमवर्क नहीं दिया हुआ, हर क्वेश्चन मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोगों से एग्जांपल बिल्कुल डिस्कस करूँगा, ऐसे नहीं कि मैं एग्जांपल डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक हद तक मैं एग्जांपल डिस्कस कर सकता हूँ, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवा सकता आप लोगों को। तो मेरा मशवरा ये कि 7.1, 2, 3 जाके आप लोग देख लो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, तभी मैंने चैप्टर को एक्सटेंड किया हुआ था कि हम ये बाद में करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन अब जो भी है अब यही है। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कम्बिनेशन, इसको डिस्कस करने से पहले एक नोटेशन है जो बताना बड़ा ज़रूरी है, और उसको आप कहते हो फैक्टोरियल नोटेशन। अच्छा, फैक्टोरियल नोटेशन किस लिए यूज़ होती है आपको वजह भी पता चल जाएगी कि हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके यूज़ करने का मकसद ये होता है कि अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिखना चाहूँ, क्या चीज़ कि अगर मैं लिखना चाहूँ 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब ये लिखना कितना ऑकवर्ड है। मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि 8 से लेके आपने 1 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये तरीका कितना अजीब सा है कि जब मैं इसको लिखूँगा मेरा टाइम काफ़ी ज़ाया होगा। तो इसके लिए एक बहुत आसान सी नोटेशन है जो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब हम क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ना, अच्छा दरमियान में कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए, ये मैटर करती है चीज़ के अंदर। तो सबसे बड़ा नंबर है अप टू 1 तक, दरमियान के जितने नंबर अगर आपने सब मल्टीप्लाई करने, तो आप इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। 8 लिखोगे, उसके ऊपर आप ये लाइन लगा दो एक, इसको इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं, इंग्लिश में भी होता है, मुझे सिंबल का नाम याद नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से आसानी से इसको लिख सकते हो। तो ये नोटेशन यूज़ क्यों होती है कि ये अगर बड़ी सी चीज़ है, अगर आपने इसको अपनी आसानी के लिए लिखना है, तो आप इसको 8 फैक्टोरियल लिख दोगे, आसान हो जाएगा आपको। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से लेके ऑल द वे आप कहाँ तक जाओ, 1 तक जाओ, तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप कोई भी नंबर बना सकते हो, 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, सबका मतलब यही हो जाएगा। दूसरी बात फैक्टोरियल में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फैक्टोरियल में आप कहीं भी रुक सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि फैक्टोरियल नोटेशन में आपने अप टू 1 तक जाना होता है। ठीक है, कहाँ तक रुक सकते हो, लेट कर लो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 6 फैक्टोरियल को, तो एक तो लिखने का तरीका ये कि मैं 6 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखूँ कि मैं ऑल द वे जाऊँ नीचे तक, 1 तक, 1 से नीचे नहीं आप जाते। या इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं कहीं भी रुक जाऊँ, लेट कर लो मैंने 4 पे रुकना है, तो उसके ऊपर आगे ये लगा दो, तो आप रुक सकते हो 4 पे। लेट कर लो आप 6 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखना चाह रहे हो कि आप 5 पे रुकना चाह रहे हो, तो आप ये लिख दो। अगर आप 1 से पहले रुकना चाह रहे हो किसी भी नंबर पे, तो उस पे आप फैक्टोरियल लगा दो। तो 6 फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो।
ये चीज़ आपको फ़ायदा देती है जब आपने फैक्टोरियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, आपके पास लिखा हो 6 factorial divided by 4 factorial, अब आपके पास तो चलो कैलकुलेटर है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दोगे, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में आता है जो सवाल, फिर फंस जाओगे। तो पहले इस फॉर्म में देखो, फिर मैं जनरल फॉर्म में आपको देता हूँ। तो इसको एक लिखने का तरीका है कि आप देखोगे बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है, अब वो न्यूमरेटर में या वो डिनोमिनेटर में मैटर नहीं करता, बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है, 6 factorial, तो बड़े वाले फैक्टोरियल को आप कन्वर्ट करते हो छोटे वाले फैक्टोरियल में। अब यहाँ पे 6 factorial लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह लिख दो, 6 multiply 5 multiply 4 factorial। अच्छा, 4 factorial में मैंने क्यों रोका, क्योंकि मैं नीचे से कैंसिल कर सकूँगा, ये रीज़न है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था आप कहीं भी रोक सकते हो जहाँ आपका मकसद होता है। यहाँ पे मकसद देखिए, नीचे 4 factorial है, तो मैंने 6 factorial को इस तरीके से लिखा और 4 पे आके मैंने इसको रोक दिया। अब ये होगा कि 4 factorial इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 into 5 30, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 30 के बराबर। तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। अब इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। लेट कर लो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, बोर्ड एग्जाम का काफ़ी मशहूर MCQ है ये, n+1 factorial divided by n-1 factorial। तो मैंने यही चीज़, चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इस तरह कर देता हूँ इसको। तो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको आप एक्सपेंड करते हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। अब वो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में ये मैटर नहीं करता। तो देखो यहाँ पे n+1 बड़ा है या n-1 बड़ा है, डेफिनेटली n+1 बड़ा है। एक और चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे जो ये फैक्टोरियल है ना, ये सिर्फ होल नंबर्स का होता है। होल नंबर्स मतलब 0 factorial होगा, 1 factorial होगा, 2, 3 अप टू जितने होल नंबर हैं। नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन नंबर, इनके लिए फैक्टोरियल नहीं होता, इनके लिए अलग नोटेशन हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं गैमा फंक्शन, ठीक है। तो वो नेगेटिव या फ्रैक्शन किसी नंबर के आपने फैक्टोरियल निकालने हो ना, तो आप गैमा फंक्शन यूज़ कर रहे होते हो। ये जो फैक्टोरियल नोटेशन है सिर्फ होल नंबर्स के लिए होती है। अच्छा, तो अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, फैक्टोरियल में क्या करते हो, एक कम करते जाते हो ना। जैसे अगर आपकी पहले एग्जांपल में लिखा हुआ था 6 factorial, तो आपने क्या लिखा था, 6 multiply 5, एक कम किया था। फिर आपने लिखा 5 multiply 4, एक और कम किया, और 4 पे अगर आप रुकना चाह रहे थे आप रुक गए यहाँ पे। सेम काम यहाँ पे भी करो, ऊपर छोटा है, छोटे को आप एक्सपेंड नहीं करते, जो बड़ा वाला होता है उसको एक्सपेंड करते हो। तो n+1 factorial को लिख सकते हो n+1, उसके बाद एक कम करो, n+1 में से अगर 1 माइनस करोगे तो n बचेगा, ठीक है। फिर n में से 1 माइनस करो तो n-1 बचेगा। ये आपने चलते जाना है उस वक्त तक जब आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अब मैच ना कर जाए। मैंने देखा कि n+1, फिर एक कम किया n आया, फिर इससे एक कम किया n-1 आया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं, अब मेरा यहाँ पर रुकना बेहतर है। लेट कर लो अगर ऊपर ये चीज़ होती n-2, तो अब यहाँ पे रुकना मेरे लिए ठीक नहीं था, मैं एक और दफ़ा -1 करता, ये -2 हो जाता, मैं यहाँ पे रुक जाता। तो आपने देखना है कि आपका मकसद क्या है, कहाँ पे आप रुकना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे रुकना चाह रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/n n+1 n-1। बाकी सिंप्लीफिकेशन वो तो MCQs पे डिपेंड करती है किस फॉर्म में वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला होता है, इस तरीके से आप फैक्टोरियल नोटेशन को यूज़ करते हो। तो 2-3 बातें हमने देख ली हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन यूज़ क्यों होती है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, फैक्टोरियल को आप कहीं भी रोक सकते हो। अब आखिरी चीज़ है कि आपके पास चूंकि कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर में बटन आपको मिल जाता है, बहुत दफ़ा मैंने बताया, मेरे चैनल पे अपलोड है हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर, उसमें आपको चैप्टर 7 में ट्रिक्स सब मिल जाएंगी कि फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन किस तरह निकालना है आपने। लेकिन कुछ फैक्टोरियल आपको अगर याद हो तो वो बेस्ट तरीका है, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी। वही बात है कि अगर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद हो, 45 डिग्री पे, 60 पे, 30, काफ़ी काम होगा। बेशक कैलकुलेटर लाओ भी हो, लेकिन ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएंगी आगे की लाइफ में भी। तो ज़रा मैं कुछ आप लोगों को वैल्यूज़ बता देता हूँ। मैं तो स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि 7 factorial तक वैल्यूज़ याद करना ईजी होता है, तो 7 factorial तक तो आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर 8 factorial भी आ जाए उसकी भी एक जुगाड़ होती है, मैं बता दूंगा, लेकिन जितना बड़ा होता जाएगा फिर नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखोगे 0 factorial 1 होता है। अब ये स्टूडेंट को बात हजम नहीं होती, इसका प्रूफ मैंने बताया हुआ चैप्टर 7 जो मेरे चैनल पे अपलोड है, इस जगह पे बताने का कोई सेंस नहीं बनती कि मैं इसकी रीज़न बताऊं। तो अगर आपको शौक हो वहाँ पे देख लेना। इसी तरह 1 factorial भी 1 के बराबर होता है, 2 factorial 2 के बराबर होता है, 3 factorial 6, 4 factorial 24 के बराबर,
फाइव फैक्टोरियल 120 के बराबर, सिक्स फैक्टोरियल 720 के बराबर, तो आपके पास कोई वैल्यूज को मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसकी भी लोगों ने ट्रिक बनाई होती है, पता नहीं क्या मेरे जहन में आ रही है इसको याद रखने की, लेकिन कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी याद रख सकते हो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और आखिरी अगर याद करना चाहो तो सेवन फैक्टोरियल कर लो 5040। ये वो फैक्टोरियल हैं जो कि काफ़ी ईजी हैं, आपको काफ़ी नज़र आएंगे एमसीक्यूज़ में, तो अगर आपको याद है तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, तो इनको याद कर लो। अब लेट कर लो अगर 8 फैक्टोरियल आ जाए और मेरे पास कैलकुलेटर ना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास हल ये होगा कि मैं 8 फैक्टोरियल को इस तरह लिख सकता हूँ ना, 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का मुझे आंसर पता है 5040 है, 5040 को 8 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, आप लिख के भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन में कि जब कैलकुलेटर ना हो, वरना कैलकुलेटर है तो फिर टाइम बचाओ आप, बाकी जितने भी हायर फैक्टोरियल हैं वो आसानी से आप निकाल सकते हो। दैट्स इट, फैक्टोरियल से रिलेटेड यही बातें हैं। मैं एंड पे एक बात लिख देता हूँ कि जो एन फैक्टोरियल है इसमें एन जो है इज़ आ होल नंबर, कि एन जो है वो होल नंबर होना चाहिए, किसी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नंबर का फैक्टोरियल नहीं आता। कुछ सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर, ये 6 और 7 फैक्टोरियल तक कैसे आया डायरेक्ट आंसर? यार ये आंसर निकाल सकते हो, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 करके देख लेना, ये आंसर आ रहा होगा। यार मुझे ऐसी कोई ट्रिक नहीं पता इसकी, और मुझे नहीं पता कोई ट्रिक होगी भी इसकी या नहीं होगी, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, मुझे एटलीस्ट कोई ऐसी ट्रिक नहीं पता कि आप 6 फैक्टोरियल का आंसर किसी ट्रिक से याद रख लो। मे बी किसी ने पैटर्न इस तरह बनाया हो 0 और 20 करके इस तरह, लेकिन मेरे इल्म में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। और एनएडी के वाले बच्चों को तो मसला है भी नहीं वैसे, ट्रिक हो या ना हो तो बात की बात है, अगर इसकी ट्रिक हो भी तो एनएडी में बच्चों को इतना नहीं ट्रिक जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आपने बस 7 लिखना है और एक बटन दबाना है, तो इस काम की भी ट्रिक कहाँ से लाओगे? मैं देख लूँगा, अगर मुझे मिल गई कहीं से तो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा फिर भी। अच्छा जी, अब आ जाओ इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर में जो मेन पोर्शन है वो सबसे पहले है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन से पढ़ने से पहले भी हम एक और चीज़ पहले पढ़ लेते हैं, और उसको हम कहते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल। दो काउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, सबसे पहला जो है एडिशन है और दूसरा है वो मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन वाले को नॉर्मली हम ये भी बोलते हैं कि फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी बोला जाता है, लेकिन कहीं बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा हम बोलेंगे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इस तरह भी नाम दिया जाता है। खाली फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल लिखा हो तो नॉर्मली वो मल्टीप्लीकेशन वाले रूल को ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहरहाल नाम कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, असल ये है क्या ये मैटर कर रहा है यहाँ पे। माइक्रोफोन बंद कर लो भाई। अच्छा, तो अब आज इन दोनों प्रिंसिपल को समझना किस तरीके से, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एग्जांपल आप लोगों को कौन से मैं दूँ? बड़ी मशहूर एग्जांपल मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यार आप कंसीडर करो, बस इनका मोटा मोटा फ़र्क क्या होता है। एडिशन में होता है कि सबसे पहली बात आप काउंटिंग का मतलब क्या है, काउंटिंग कर क्यों रहे हो? देखो, आपने किसी भी चीज़ को काउंट करना है, कोई भी आपके वेज हैं जिनको आपने काउंट करना है। जैसे बड़ा मशहूर सवाल है कि मेरे पास 5 पेंटें हैं, 3 शर्ट हैं, अब उनकी कितने आउटफिट मेरे पास बन सकते हैं? आउटफिट कहने का मतलब कि मैं रेगुलर एक नया आउटफिट पहनूं, मतलब मैच ना करना चाहिए। तो अगर मेरे पास 5 पेंट्स हैं, 3 शर्ट हैं, तो मैं कितने आउटफिट बना सकता हूँ? तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 आउटफिट बन सकते हैं मेरे, कि पैंट नंबर 1 के साथ मैं शर्ट 1 पहन सकता हूँ, शर्ट 2 पहन सकता हूँ, शर्ट 3 पहन सकता हूँ, ये 3 आउटफिट आ जाएंगे। फिर पैंट 2 के साथ मैं शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, ये 3 आउटफिट आ जाएंगे। तो ये पूरा सीन जो होता है ये आप काउंट कर रहे हो, कितने तरीके हैं? 15 तरीके हैं। इसी तरह रियल लाइफ में आप काफ़ी चीज़ों को काउंट कर रहे होते हो। इसकी एग्जांपल और मैं क्या आप लोगों को दूँ, कोई भी एग्जांपल आप लेट कर सकते हो कि यार आपने एक कमेटी बनानी है, ठीक है, 5 लोग हैं, 5 मर्द हैं, 10 खवातीन हैं, आपने 2 बंदों की कमेटी बनानी है, कितने तरीके से आप कमेटी बना सकते हो? तो अब इसको काउंट करना, तो ये जो काउंटिंग है ना, ये नंबर ऑफ वेज की काउंटिंग कह सकते हो, ये नॉर्मल काउंटिंग नहीं है जो आप नंबर सी कर रहे होते हो,
ये इस टाइप की काउंटिंग होती है जिसमें आप नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ये काउंट कर रहे होते हो। तो ये तो बात आपने समझ ली काउंटिंग होता है। अच्छा, अब काउंटिंग में आप दो तरीके की काउंटिंग करते हो। एक काउंटिंग में होता है कि आप जो नंबर ऑफ वेज है ना उनको ऐड कर रहे होते हो, ठीक है, और एक काउंटिंग ऐसी होती है जिसमें आप नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर मेरे पास 5 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं तो नंबर ऑफ वेज मैंने किस तरीके से निकाले थे, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशन में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कहने का मतलब किस सिचुएशन में ऐड करूंगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट कर लो आप एक शॉप पे गए हो, आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं, 4 लैपटॉप्स हैं, और थोड़ा अपनी एग्जांपल को हम अमीर कर देते हैं, 5 मैकबुक कर देते हैं, भाई थोड़ी हमारी एग्जांपल अमीर हो जाएगी। अब आप एक शॉप पे गए, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ये नंबर ऑफ वेज है ना। कंप्यूटर खरीदने के कितने तरीके होंगे, कोई भी 5 कंप्यूटर में से खरीद दूं मैं, 5 तरीके हैं इसके, डिफरेंट टाइप के, जनरेशन के हिसाब से आप अरेंज कर लो या कंपनी के हिसाब से, कुछ भी आपने क्लासिफिकेशन बनानी है। इसी तरह 4 लैपटॉप हैं, कोई भी 4 में से मैं लैपटॉप ले सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास 5 मैक है, मैं कोई भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पे समझो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में फ़र्क क्या होगा। ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया, आपको बेसिक बात समझ आ जाएगी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने कोई भी एक चीज़ लेनी है, जब आपने कोई भी एक चीज़ लेनी है तो अब आप नंबर ऑफ वेज को ऐड करोगे। क्यों ऐड? उस वक्त आप करते हो जब आपको नजर आता है कि 2-3 जितने भी इवेंट्स हैं, एक इवेंट है कंप्यूटर लेना, एक इवेंट है लैपटॉप, एक इवेंट है मैक लेना, अगर ये इवेंट एक साथ नहीं हो सकते तो फिर आप ऐड कर रहे होते हो। अब मैंने आपको बोली कि आपने एक चीज लेनी है, तो एक में या तो आप कंप्यूटर लोगे, या वर्ड जरा सुनो मैं या बोल रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में जिसको और कहते हैं, या आप लैपटॉप लोगे या आप मैक लोगे, आपको कोई भी एक चीज लेनी है। तो ये तीनों चीजें क्या आप एक साथ ले सकते हो? नहीं, आपको जस्ट एक लेना है। तो यहां पे अगर आप गौर करो तो आप 3 इवेंट को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, या तो आप कंप्यूटर लो, या आप लैपटॉप लो, या आप मैक लो। तो यहां पे आप ऑप्शंस को क्या करते हो, ऐड करते हो। तो आप यहां पे करोगे 5+4+5, आपके पास टोटल 14 ऑप्शंस है। और इसकी सेंस भी बनती है, जब आपने एक चीज लेनी है तो आपके पास 14 चीजें पड़ी हुई हैं, 14 चीजों में से आप एक ही लोगे ना, तो कितने ऑप्शन है आपके पास, 14 ऑप्शन है। तो ये एग्जांपल होती है एडिशन की, जब आप इवेंट्स को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। अब अगर इवेंट को एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, उसकी एग्जांपल क्या है? अगर मैं आपको बोलूं इसी एग्जांपल में, भाई एक कंप्यूटर लो, एक लैपटॉप लो, एक मैक लो, अब तीनों इवेंट को आपने एक साथ परफॉर्म करना है, आपने कंप्यूटर भी लेना है, आपने मैक भी लेना है, आपने लैपटॉप भी लेना है, यहां पे तीनों इवेंट एक साथ परफॉर्म होंगे। तो जब तीनों इवेंट एक साथ परफॉर्म होंगे तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 4 = 20, 20 × 5 = 100। अब 100 आपके पास पॉसिबिलिटीज बन गए। अब इसकी सेंस क्या है, 14 की तो सेंस बन रही थी यार, 14 में से एक मेरे 14 ऑप्शन थे ना मेरे पास, इसकी तो सेंस बन रही थी। ये 100 की सेंस किस तरह बनेगी, इसको जरा देख लेते हैं कि भाई आपके पास लेट कर लो कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, 4, 5। आप कोई एक स्टूडेंट गया, कोई भी एक बंदा गया है, उसने कंप्यूटर 1 खरीद लिया, उसके बाद लैपटॉप में उसने लैपटॉप नंबर 1 खरीद लिया, मैक में उसने मैक नंबर 1 खरीद लिया, ये एक पॉसिबिलिटी है कि कंप्यूटर 1, लैपटॉप 1, मैक 1, एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो कंप्यूटर 1 खरीदे, वो लैपटॉप 1 खरीदे, लेकिन अब वो मैक 2 खरीद ले। अब एक और पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट है ना आपस में, इसमें C1 L1 M1 था, इसमें C1 L1 M2 है, ये अलग पॉसिबिलिटी है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कंप्यूटर 1, लैपटॉप 1 और मैक 3 कर ले, फिर मैक 4 कर ले, और फिर मैक 5 कर ले। तो ये 5 ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए। अब आप लैपटॉप में भी चेंजिंग कर सकते हो कि वो कंप्यूटर 1 खरीदे और उसके बाद लैपटॉप 2 खरीदे, और लैपटॉप 2 खरीदने के बाद फिर मैक 1 होगा, फिर मैक 2 होगा, फिर मैक 3 होगा, और ये सिस्टम चलता जाएगा। तो 20 ऑप्शन इस तरह आएंगे यहाँ पे, 20 ऑप्शन इसके साथ, 20 इसके साथ, 20 करते करते आपके पास 100 ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बात समझा दी है कि जो 100 का मतलब क्या है। इस तरीके से आपके पास पूरी पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी, टोटल 100 पॉसिबिलिटी बनेंगी जिनके तहत आप ये तीनों चीजें एक साथ ले सकते हो। तो एंड पे कंक्लूजन इसका क्या है कि जब 3 इवेंट आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो तो आप सब नंबर ऑफ वेज को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, और जब आपको कोई भी एक चीज लेनी है, सब इवेंट में एक साथ आप नहीं कर सकते, कोई भी एक करोगे तो आपस में आप ऐड करते हो। ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी, बहुत ही समझने वाली एग्जाम्पल है, अगर आपने इन दोनों चीजों को समझना है।
अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यार इसको दोबारा देख लेना, ये मैंने काफ़ी डिटेल में एक बात बताई है, आपके बात समझ आ जाएगी। दूसरा, अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स देखे हुए जो कि मैंने रिकमेंड किए थे, उसमें भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, तो आपको बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद देख लेना। तो कंक्लूजन एंड पे ये है कि भाई जब इवेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते तो आप ऐड करते हो, जब इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल भी इसकी ले सकते हो कि यार अगर आपने कराची से हैदराबाद जाना है तो, और हैदराबाद से लाहौर जाना है, फिर मतलब मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, कराची से हैदराबाद जाना है और हैदराबाद से लाहौर जाना है। कराची से हैदराबाद जाते हुए आपके पास क्या ऑप्शन है? 3 आपके पास ट्रेन्स हैं, 2 आपके पास बस है। अब 2 इवेंट्स हैं, पहले इवेंट के कितने ऑप्शन है? 3। दूसरे इवेंट के कितने ऑप्शन है? 2। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अच्छा इधर हम कर लेते हैं कि हैदराबाद से लाहौर जाने में कितने ऑप्शन है? 2 ट्रेन कर लेते हैं, 3 बस कर लेते हैं। अब जब आप कराची से हैदराबाद जा रहे होगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ट्रेन में भी जाओ और बस में भी जाओ? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। या तो आप ट्रेन में जाओगे या आप बस में जाओगे। तो कहने का मतलब ये दोनों काम आप एक साथ कर ही नहीं सकते, या तो आपको ट्रेन में जाना होगा या आपको बस में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका टोटल तरीके निकालूं तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि ये आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। आपके पास कराची से हैदराबाद जाने के 5 तरीके हैं। इसी तरह हैदराबाद से लाहौर की बात करते हैं, उसमें भी यही है कि आपके पास 2 ट्रेन है, 3 बसेज हैं। या तो 2 में से कोई एक ट्रेन आप लोगे या 3 बसेज में से कोई एक बस लोगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रेन में भी बैठे हुए हो, आप बस में भी बैठे हुए हो, एक वक्त तो नहीं हो सकते ये। तो उसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। अब मैं अगर ओवरऑल बात करूंगा कराची से लाहौर जाने के कितने तरीके हैं, तो कराची से हैदराबाद के 5 हैं, हैदराबाद से लाहौर के 5 हैं। अब सवाल ये है कि कराची से लाहौर के तरीके जो हैं वो 5+5 होंगे या 5+5 होंगे? तो 5+5 होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये 2 इवेंट जो हैं ये तो आप एक साथ कर सकते हो ना। आप ट्रेन नंबर 1 में बैठ जाओ और यहाँ पे भी ट्रेन नंबर 1 पे बैठ जाओ, 2 काम तो एक साथ आप कर सकते हो। आप कराची से हैदराबाद भी ट्रेन 1 पे गए हुए हो, हैदराबाद से लाहौर भी ट्रेन 1 पे गए हुए हो। इसी तरह आप कराची से हैदराबाद ट्रेन 1 पे गए हो और इधर ट्रेन 2 पे गए हुए हो। तो ये दोनों इवेंट आप एक साथ परफॉर्म करोगे। आप ट्रेन में भी बैठ सकते हो, यहाँ पे बस पे भी बैठ सकते हो, या इधर ट्रेन पे हो इधर भी ट्रेन पे हो सकते हो। तो ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई, क्योंकि आप दोनों इवेंट एक साथ कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई 5+5 आपके पास 25 ऑप्शन हो जाएंगे। और इन 25 ऑप्शन की मैं दोबारा सेंस बता देता हूँ। सेंस क्या बनेगी कि लेट कर लो हैदराबाद से लाहौर आप ट्रेन 1 पे गए हो और हैदराबाद से लाहौर आप ट्रेन 4 पे चले गए हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेन 1 पे गए हो, ट्रेन 5 पे चले गए हो। फिर लेट कर लो बस नंबर 3 है, बस नंबर 4 है, बस नंबर 5 है। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन बन गए, ठीक है। इसी तरह अगर आप कराची से हैदराबाद ट्रेन 2 पे जाओ तो अगेन आपके पास 5 ऑप्शन बनेंगे, वही ट्रेन 4, ट्रेन 5, B3, B4, B5। तो करते करते आपके पास यहाँ पे 25 ऑप्शन बन जाएंगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि इन दोनों को मैंने ऐड किया था क्योंकि मैं इन दोनों को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं इन दोनों को एक साथ परफॉर्म करूंगा। एट अ टाइम मुझे इधर भी बैठना है, उसके बाद मुझे इस ट्रेन में भी बैठना है।